हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं मिल्क पाउडर से पेड़ा बनाने जा रही हूँ। मिल्क पाउडर के पेड़ा बनाने के लिए हमने एक कटोरी मिल्क पाउडर लिया है, वजन में 100 ग्राम है, और ये आधी कटोरी हमने चीनी ली है, आधी कटोरी दूध और 4 चम्मच हमने देसी घी लिया है। गैस पर हमने एक कढ़ाई रख दी है, अब मैं इसमें घी डाल देती हूँ। अब मैं घी में आधी कटोरी दूध डाल देती हूँ। मैंने गैस को धीमी कर दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिल्क पाउडर डाल देती हूँ और मिल्क पाउडर को डालते हुए इसे मिलाते जाना है। मिल्क पाउडर को हमने अच्छे से मिला लिया है। अब मैं इसमें चीनी डाल देती हूँ। चीनी हमारी पिसी हुई है। अब मैं इसमें इलायची पाउडर डाल देती हूँ। इलायची पाउडर डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और मिल्क पाउडर का एक बॉल जब तक गाढ़ा नहीं हुआ तब तक मैं इसे पकाते रहूँगी और इसी तरह से बराबर चलाना है। मिल्क पाउडर के पेड़े बहुत जल्दी बन जाते हैं और टेस्टी भी बहुत होते हैं। आप लोग देख सकते हैं घोल हमारा गाढ़ा होने लगा है। अभी पेड़ा बनने वाला घोल गाढ़ा नहीं हुआ है। घोल को हमें तेज गैस पर नहीं पकाना है, इस घोल को हमें धीमी गैस पर पकाना है, वरना इसका कलर बदल जाएगा और देखने में पेड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। इस तरह के पेड़े आप झटपट बना सकते हैं। मिल्क पाउडर के पेड़े बहुत जल्दी बन जाते हैं। अब मैं इसमें 1 चम्मच घी और डाल देती हूँ। आप लोग देख सकते हैं पेड़े बनाने का मिक्स हमारा तैयार हो गया है और ये कढ़ाई छोड़ने लगा। आप लोगों को मिल्क पाउडर के पेड़े जब भी बनाए तो मोटी तली की कढ़ाई में ही बनाए। अब मैं इसे ठंडा होने के लिए एक थाली में निकाल लेती हूँ। ये मिक्स हमारा ठंडा हो गया है। अब मैं इसके पेड़े बना लेती हूँ। ये नींबू के आकार की हमने लोई काट ली है। और गोल करके इस तरह अंगूठे से हम इसे दबा देते हैं। आप लोग देख सकते हैं पेड़े हमारे कितने अच्छे बन रहे हैं। इसी तरह से मैं सभी पेड़े बना लेती हूँ। आप लोग देख सकते हैं मिल्क पाउडर के हमने पेड़े सभी बना लिए हैं। पेड़े हमारे बहुत अच्छे से बन गए हैं। इस रक्षाबंधन पर आप लोग इसी तरह से पेड़े बनाएं।
यदि आप लोगों को हमारे पेड़े बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।